गाइस, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी का रिव्यू। और इन सभी को मैंने परचेज किया है मीशो से। अगर आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी हो गई है, घर में कोई और फंक्शन है, तो ये साड़ी परचेज कीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है। क्योंकि अगर हम मार्केट में इस तरह का कुछ लेने निकल जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलने वाला है, लेकिन मीशो पर मुझे इतनी प्यारी प्यारी साड़ी मिली है। सो आई एम सो हैप्पी विद माई परचेज। लुक एट दिस, 5 साड़ी का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पांचों ही साड़ी सिल्क की एकदम पार्टी वियर है। शादी में, मतलब किसी भी टाइप के फंक्शन में आप इनको इजिली कैरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हॉल वीडियो की। फर्स्ट साड़ी है मजेंटा और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में। सिल्क है इसका, बहुत ही ज्यादा फाइन। प्लस इसके ना सेल्फ में हल्की हल्की डिजाइनिंग है। सो मैं पास से आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बहुत ही प्यारे स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं और काफी अच्छी ये लग रही है। लुक मुझे इसका काफी प्यारा लगा। ऐसी साड़ी है, अगर आपके घर में कोई न्यूली ब्राइड है, आप उसे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये साड़ी गिफ्ट दे दीजिए। बड़े ही खुशी खुशी होकर सब इसको पहनने वाले हैं। सो बहुत ही अच्छी साड़ी, प्लस रेंज के अकॉर्डिंग तो फैबुलस है। और ये देखिए इसका लुक। शुरुआत में करूंगी इसके पल्लू से। ये है इसका पल्लू, एकदम हैवी लुक में इसका पल्लू है, मजेंटा के साथ गोल्डन जरी की शाइनिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि इसमें थ्रेड टसल लगी हुई है, जिसकी वजह से पल्लू का लुक और भी ज्यादा प्यारा आ रहा है। इसका बॉर्डर आप ये देखेंगे थोड़ा सा ना डायमंड डायमंड काइंड ऑफ बने हुए हैं, तो उस तरह का है इसका अपर बॉर्डर। और ये है इसका लुक। बॉटम बॉर्डर है इसका डबल, यानी कि थोड़ा ब्रॉड बॉर्डर है, लेकिन काफी सॉफ्ट है, पहनने में बहुत इजी। और ये है इसका सेंटर से लुक, क्योंकि पूरी ही साड़ी सेल्फ में है तो बहुत ही हैवी लुक दे रही है। बिल्कुल भी सिंपल सी साड़ी नहीं लग रही है। टॉप बॉर्डर है इसका थोड़ा सा नैरो, ये है इसका टॉप बॉर्डर। और अब मैं इसको दिखाऊंगी कुछ इस तरह से, सो दैट की क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये है इस साड़ी का लुक। पूरी ही साड़ी एक जैसी है, प्लस क्वालिटी काफी सही है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइट टाइट नहीं है। थोड़ा सा भी टाइट होते हैं तो मतलब लगती है कि हाँ लोकल सी है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है। तो ये है इसका कंप्लीट लुक। और पहनने के बाद आप देख ही रहेंगे कि कितनी प्यारी लग रही है। ये है इसके ड्रेप का पोर्शन और रनिंग में ही है इसका ब्लाउज। ये है ब्लाउज के लिए बॉर्डर, आप चाहें तो इसके साथ कोई कंट्रास्ट ब्लाउज वियर कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसके साथ वियर किया है ये वाला ब्लाउज। इसका हॉल वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इस ब्लाउज के साथ भी ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगी। ये देखिए, आज की सारी साड़ी मैंने इसी ब्लाउज के साथ वियर किया, मुझे सारी ही अच्छी लगी इस ब्लाउज के साथ। तो अगर आप एक कुछ ऐसा ब्लाउज ढूंढ रहे हैं जो सभी साड़ी के साथ मैच कर जाए, तो इस ब्लाउज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये तो थी मेरी फर्स्ट साड़ी। सेकेंड वन जो है, अच्छा हो सकता है ना वीडियो में थोड़ा बहुत कलर चेंज आ रहा हो, अदरवाइज बहुत ही ब्राइट शेड है, बहुत प्यारा लग रहा है। सेकेंड कलर है ये भी ना जो एक ग्रीनिश और ब्लूइश कॉम्बिनेशन मिक्स होता है, उस टाइप का कलर है एग्जैक्टली। जो है फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और ये वीडियो में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है, क्योंकि इसके अंदर एक गोल्डन शाइनिंग है, तो उसकी वजह से और ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है। और ये है इसका लुक। स्टार्टिंग करेंगे इसकी पल्लू पोर्शन से। ये देखिए, ये है इसका पल्लू। पूरा ही साड़ी, मतलब इसमें पल्लू का डिजाइन नहीं है, वही सेम साड़ी है, लेकिन यहां पर इसमें देखेंगे थ्रेड टसल्स लगी हुई है, सो उससे पल्लू का लुक हो रहा है काफी अच्छा। पूरी ही साड़ी एक जैसी है। ये है इसका टॉप बॉर्डर, पास से मैं आपको दिखाऊंगी सो दैट क्लियर हो जाए। और क्योंकि पूरी साड़ी में ना पास पास बूटियां हैं, उसकी वजह से लुक इसका काफी हैवी आ रहा है। और बॉटम का बॉर्डर है इसका थोड़ा सा ब्रॉड, लेकिन इतनी सॉफ्ट साड़ी है, पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रही है और मुझे बहुत पसंद है। प्लस कलर तो मुझे इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पूरी ही साड़ी है एक जैसे, लुक आप साइड में देख ही रहेंगे। प्राइस मैंने सभी का मेंशन कर दिया। एंड गाइस, इनके कोड सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप कोड को यूज करके इजिली परचेज कर सकते हैं। बैक से एक बार मैं इसकी क्वालिटी दिखाना चाहूंगी कि कितनी फाइन है, कट वगैरह नहीं निकले हुए, और सेम ही ब्लाउज है, इसी में से ब्लाउज कट हो जाएगा। सो ओवरऑल इसका लुक एकदम ग्रेसफुल आने वाला है। नेक्स्ट इसी का मैंने दूसरा कलर पिक किया है, क्योंकि ये कलर भी काफी अच्छा सा लगा। ये है इसका पूरा लुक। अगेन ये है इसका पल्लू,
सेम, क्योंकि वही साड़ी है, सिर्फ कलर अलग है। तो आप देखेंगे कि इस कलर में भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगे। ये है इसका टॉप बॉर्डर, बाकी सारे में है बूटियां, और ये है इसका बॉटम बॉर्डर। पल्लू में लगी हुई है ये थ्रेड टसल्स, और पूरी ही साड़ी का लुक एक जैसा है। एंड इन सभी को मैंने सेम ब्लाउज के साथ पेयर अप किया, और सभी के साथ बहुत ज्यादा क्लासी लग रही है। सो ये है इसका कंप्लीट लुक। ओवरऑल पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये, प्लस कलर में जो ये गोल्डन शाइन है वो भी बहुत प्यारी लगी। एंड अगेन ब्लाउज इसी में से कट हो जाएगा, सेम ब्लाउज है, लेंथ बहुत अच्छी है साड़ी की, विड्थ बहुत अच्छी है, यानी कि पहनने के बाद एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है। नेक्स्ट पीस जो है वो है ये लेमन येलो कलर में, और इतना मतलब आई कैचिंग कलर है, येलो और सिल्वर का कंट्रास्ट है इसके साथ। सो बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, और इस पर तो मेरी काफी टाइम से नजर थी, मैं काफी टाइम से इसको लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन मुझे चाहिए था कि कम से कम 4-5 साड़ी तो मुझे चाहिए थी, और रेंडमली मुझे ये सारी साड़ी मिल गई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लुक है इसका कुछ ऐसा, ये है इसका पल्लू, पल्लू में जिगजैग बना हुआ है, दोनों तरफ बॉर्डर है, सेम वही बॉर्डर है जो टॉप में और बॉटम में यूज हुआ है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर थ्रेड टसल्स लगी हुई है, सो इसकी वजह से पल्लू भी काफी प्यारा लग रहा है। और ये देखिए इसका लुक, ये है इसके टॉप का बॉर्डर, पूरी ही साड़ी में आप देखेंगे फ्लावर्स और लीव्स बनी हुई है सिल्वर कलर से। पास से एक बार दिखा देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। कंप्लीट साड़ी एक जैसी है, पूरी ही साड़ी एकदम हैवी लुक में है, टॉप में बॉर्डर, बॉटम में बॉर्डर, और सेंटर से एकदम हैवी लुक इसका आ रहा है। ये है इसका फर्स्ट ड्रेपिंग पोर्शन, और ये है इसका ब्लाउज, सेम रनिंग में ब्लाउज है, ये है बॉर्डर, आप इसे स्लीव्स पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ कंट्रास्ट में स्टिच करा लेंगे लाइक टील ग्रीन कलर में, मजेंटा कलर में, सभी कलर में, मतलब कोई भी ब्राइट शेड ले, इसके साथ बहुत ही ज्यादा फबने वाली है। सो ये तो था मेरा फोर्थ पीस, लास्ट पीस, वन ऑफ माई फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन, ग्रीन एंड रेड। और इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका ना ब्लाउज भी एकदम हैवी है, पल्लू भी एकदम हैवी है, सो इस तरह की साड़ियां काफी अच्छी लगती हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज आपको दिखाना चाहूंगी, एकदम हैवी लुक में, कांजीवरम लुक में है इसका ब्लाउज। अच्छा ये जो है ना ब्लाउज जो है इसका एकदम, आप इसको रेड कलर नहीं बोल सकते, हल्का सा मरूनिश टच में है, और बॉर्डर है इसका रेड, आई होप वीडियो में क्लियर हो रहा होगा, ब्लाउज मरून टच में है और ये बॉर्डर है इसका रेड, एकदम हैवी ब्लाउज है, पूरे ही ब्लाउज पर पास पास फ्लावर्स बने हुए हैं। सो ये इसका लुक है जो कि काफी बड़ी लग रहा है। सो ये तो बात हुई ब्लाउज की, अब बात करें साड़ी की, तो साड़ी में है ऊपर नीचे मैरून बॉर्डर, यहाँ रेड बॉर्डर था, ये देखिए ब्लाउज में रेड बॉर्डर यूज हुआ है लेकिन साड़ी में मरून बॉर्डर यूज हुआ है। सो ये है साड़ी का बॉर्डर, और पूरी ही साड़ी में डॉट डॉट्स बने हुए हैं, यानी कि पास पास बूटियां हैं, और ये है इसके बॉटम का बॉर्डर। बॉर्डर की क्वालिटी आप पास से देखेंगे काफी अच्छी लग रही है, साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, पूरी ही साड़ी है एक जैसी, प्लस ग्रीन कलर काफी प्यारा लग रहा है, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन वैसे भी काफी अच्छा लगता है, और सारी साड़ी है एक जैसी। पहनने के बाद लुक आप देख ही रहेंगे, प्राइस डिटेल कर दी है मैंने सभी की मेंशन, और प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम एवन चॉइस है, प्लस सभी साड़ी की ना लेंथ काफी अच्छी है, विड्थ काफी अच्छी है, सो अगर आप हाइटेड भी हैं तो भी इसको इजीली वियर कर सकते हैं। और ये है इसका पल्लू, एकदम हैवी लुक में है इसका पल्लू, पास से इसका लुक देखेगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, पल्लू है इसका अगेन मैरून कलर में, और जरी है इस पर गोल्डन कलर की, सो पल्लू मैरून कलर में है, तो ये बॉर्डर सिर्फ पल्लू पोर्शन में आपका होगा, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, पल्लू का बॉर्डर है रेड कलर में। सो ओवरऑल काफी प्यारी लग रही है, पहनने के बाद भी काफी प्यारी, और पहनने में इजी भी बहुत है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फ्लफी लग रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी साड़ी है और पहनकर बहुत अच्छी लगी। सो इसका कलेक्शन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच।